नहा के भी आ गई हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी कर रही मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी, तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहे कि मैं पूजा कैसे करती हूँ नवरात्रों की। सारा पूजा का सामान रख रखा है, तो ये है यहाँ पे पूरा सामान पूजा का, और ये माता के लिए है श्रृंगार वाला सामान, बाकी ये रहा और कुछ इसमें। मेरी यहाँ पे पूजा भी हो गई है, तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने मतलब कैसे पूजा की सामग्री रख रखी है। हम मंदिर से होके भी आ गए हैं। मैं फ़ोन नहीं ले गई थी क्योंकि वहाँ पे दिक्कत होती है, भीड़ लगी रहती है, तो वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो जाती है, तो उसकी वजह से मैं फ़ोन नहीं ले गई थी। और देखते हैं, शाम को मंदिर में कीर्तन भी हैं, देखते हैं अगर जाएंगे तो। टाइम हो गया है 7:30, तो नवरात्रे भी स्टार्ट हो गए हैं, तो उसकी वजह से आज लगा रही मैं हाथों में मेहंदी लगा रही मुझे निक्की। आज है मेरा ब्लॉग का दूसरा दिन और टाइम हो गया है 8:30, और अभी हम यहाँ पे नहा धो के मतलब पूजा भी कर दी है। तो जो नवरात्रि का फर्स्ट व्रत था, तो उसके शाम को हमने खाना नहीं खाया था, बस वैसे ही फल फ्रूट खाए थे। तो आज इस टाइम बन रहा हमारा नाश्ता। तो हम व्रत पूरे 9 दिन के नहीं रखते हैं, मतलब 2 पहला और लास्ट व्रत रखते हैं, तो उसकी वजह से मतलब जो फर्स्ट व्रत होता है उसकी शाम को खाना नहीं खाते। तो फिलहाल मैं यहाँ पर बना रही सीमी, मीठे में बना रही सीमी। पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो अभी टाइम हो गया है 10:30, तो आज है मेरा ब्लॉग का तीसरा दिन। तो फिलहाल मैं अभी करती हूँ घर का काम, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। फिर से हल्की सी धूप आ रखी है, मौसम भी धुंधला सी हो रखा है, और आज का मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है, हल्की सी धूप आ रखी है। मैं कपड़े फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। टाइम हो गया है 12, तो अभी मैं यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज बनाऊँगी मैं लंच में भटवानी और भात। मेरा है काले भट्ट, और इन्हें मैं पहले तवे में अच्छे से भून के तब जाके इसे मिक्सी में पीसूँगी। मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई गैस में चढ़ा दी है, और यहाँ पे मैंने टमाटर काट रखे हैं। आजकल नवरात्रे चल रहे, तो उसकी वजह से आजकल सिर्फ जीरा और टमाटर का छौंका लग रहा है। पे जख्या ले लिया है, और इसमें मैं आज जख्या का छौंका मारूंगी।
रहा आज का लंच भटवाणी भात।